हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस सीरीज़ के बारे में बातचीत करेंगे उसका नाम है स्केम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी तो इस वेब सीरीज़ का जो हिंदी वर्जन है दूसरे सभी जो डब्ड वर्ज़न है वो कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है वेब सीरीज का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इसकी कहानी के ऊपर एक चर्चा करूंगा हर एक एपिसोड के ऊपर डीप में बातचीत होगी जो फ्रॉड हुआ था जो टर्म्स इसमें फाइनेंशियल वे में जो यूज़ किए हुए हैं उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट का जो स्कैम था उसके ऊपर प्रॉपर हम डिटेलिंग देने वाले आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा होने वाली है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं स्केम नाइनटीन नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी ये एक दो हज़ार बीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज़ में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज़ है वो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जेस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे म्यूजिक है वो अचिन थक्कर ने दिया हुआ था म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लोस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो इसका जो थीम म्यूजिक था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थी म्यूज़िक को यूट्यूब पे पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बाज ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड को तैयार किया तो उसको भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की ज़िंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफ़े जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीर दास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंचरंग ने 2016 में एक एल्बम में एक गीत स्टेट किया हुआ था गाना मत कर माया कोहंकर तो उस गाने को इस सीरीज़ के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सिक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से उस म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के रोल और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की माँ का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के केड़िया का रोल प्ले किया है उर्फ ए के का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेश गंतारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेस्ट था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीफ का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा वृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ जो अश्विन की वाइफ थी फैज़ल रसीद ने इस फिल्म में देवाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था कि के के रैना ने मनोहर जे फिरने का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुन्द्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकट रमन आरबी गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोईपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में रामजेठमलानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका नीक नेम करमचंद दिया गया था राजेश जैस ने इस फिल्म में एस बी आई का रोल प्ले किया रुण हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल में इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज में टोटल दस एपिसोड है दस वेब एपिसोड में पूरी सीरीज को खत्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2018 को समीर नायर के द्वारा थी की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे दस एपिसोड होने वाले जो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्केम हुआ था जो स्टॉक ब्रोकर अरसद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये होने वाले जो जर्नलिस्ट है सोचे था दलाल देवी उन्होंने एक नॉवेल लिखी हुई थी उसी साल द स्केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीजें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड इनक्र्यू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहाँ पे उन्होंने कहा कि स्केम नाइनटीन उसका टाइटल होने वाला है है। सुमित पुरोहित वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पर डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले ये कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग पुल होने वाला है जहाँ पे वो मैथ मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फ़िक्सनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो आउटलाइन स्टोरी जो फ़िल्म की है वहीं से यूज़ की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज़ है जो फिल्म है धोनी की दोनों की जो कहानी और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म के कर अराउंड डेढ़ सौ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहां पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स से जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्षद मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवंत्री को पेरेल लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के रैना ललित परिमू को कुछ पाइवोटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को अप्रोच uh, करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज़ को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो सौ लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोर्सन है उसको रिक्रिएट किया था नाइन्टी एटीज और नाइन नाइन का वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो सूट था उसमें काफी सारे चीज़ों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से नाइन्टी एटीज़ और नाइन्टी नाइन्टीज का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालवनी मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा माइलैंड में बंगलोर में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही में इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यूज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर पोर्सन है वेब सीरीज़ का जो मेजर पोर्सन है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म को कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में कभी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे सोनी ले वालों ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीज़र को 21 अगस्त 2020 को रिलीज़ करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लिव के ऊपर 85 फाइव सेकंड का ये टीज़र था जहां पे सद मेहता के किरदार के एक दिखाए गए थे ट्रेलर को 25 सितंबर 2020 को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों के एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलगू मलयालम कन्नडा इन सभी लैंग्वेज़ में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज़ करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड है पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से इश्क दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हर्षद मेहता इज ए लायर पाँचवें का नाम था कुंडली में सनी छठे का नाम था स्टॉप प्रेस सातवें का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवां मतादूर और नौ का नाम था एक करोड़ का शूटकेस दसवें का नाम था मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस पूरी जो हरसद मेहता की कहानी उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे जो एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक स्कैम किया हुआ था करीबन पाँच हजार करोड़ का स्कैम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो तब तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफॉल्स को यूज करते हुए स्कैम कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झच रहे थे उन्होंने जरा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नज़र आ रहे थे एक सोलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नज़र आते कि वो एक काफ़ी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका अरसद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको ज़रूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफ़ी बेहतर वे में लिखे हुए उतनी ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है और डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है यह हर्षद मेहता के किरदार में, कि में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफी बढ़िया तरीके से 90s का माहौल क्रिएट किया हुआ था तब जो सभी चीजें हुई थी उसको बढ़िया तरीके से इसमें शोकेस किया हुआ था हर्षद मेहता का एक बैक स्टोरी सेट किया हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया था फैमिली लाइफ उसकी दिखाई हुई थी इमोशनल इफेक्ट भी उसमें सेट किया हुआ था साथ ही में स्क्रीन प्ले काफी इंगेजिंग और ग्रेपिंग मैनर में सभी चीजें दिखाते हुए नजर आया था इसको जिस तरह से शोकेस किया हुआ था तो बढ़िया था सीरीज में एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि स्क्रीन प्ले इस तरह से देखने को मिलता है जबकि आप ऐसा सोचोगे कि एक एपिसोड देखने के बाद में बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद मेहता किस तरह से लुपहोल्स का यूज़ करते हैं ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए हुए और जो हर्षद में था कि आंखों में इस कर चीजें करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफी बारीकी डिटेल के साथ चीज़ों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफी ज्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड स्कोर काफी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफी बढ़िया तरीके से सभी सीन्स को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूजिक है फिल्म के जो गाने हैं वो भी काफ़ी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चीजों को तैयार किया हुआ है वो काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी नजर आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफी शानदार था जहां पे सभी चीजों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐसे एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज़ कह सकते हैं जहाँ पे चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है खास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो जो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम एंगेज होते और देखने में हम कामयाब रहे थे हमें देखने देखते समय वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज को आई पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हज़ार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहां पे जब रिलीज़ किया गया था नौ अक्टूबर को तब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन थे जिसको सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन रिलीज करवाया हुआ था और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते उनतीस नवंबर दो तक सभी जो डबिंग वर्जन थे तमिल तेलगू मलयालम कन्ना उन सभी को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया सोनी लिव प्लेटफॉर्म के ऊपर उन सभी वर्जनस को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इसकी लेंथ थी करीब बयालीस से साठ मिनट की कुणाल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज़ इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में पोजपोली डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज़ साबित हुई थी स्केम 1992 नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी के जो ओटीटी राइट्स थे वो सोनी लिव वालों ने काफ़ी बढ़िया प्राइस में खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने नौ अक्टूबर से इसको स्ट्रीम करवाया था अगर आपको ये वेब सीरीज फ़िलहाल में देखनी है तो स्केम 1992 द हसद मेहता स्टोरी नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आप ओ टी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के ऊपर हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में इंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हर्षद मेहता वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पर पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज़ आपको वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है स्केम नाइनटीन नाइनटी टू वेब सीरीज़ आप इस तरह से ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे स्केम 1992 नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी ये दो हज़ार बीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज़ में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज़ है वो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जेस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे म्यूजिक है वो अचिन थक्कर ने दिया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लॉस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो इसका जो थीम म्यूजिक था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थी म्यूज़िक को यूट्यूब पे पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बाज ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए तो उसका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की ज़िंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफ़े जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीर दास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंचरंग ने 2016 में एक एल्बम में एक गीत स्टेट किया हुआ था गाना मत कर माया कोहंकर तो उस गाने को इस सीरीज के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सिक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से उस म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोहरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के रो और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की माँ का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम -कुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के केड़िया का रोल प्ले किया है उर्फ एके का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेशारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेस्ट था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीफ का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा बृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ जो अश्विन की वाइफ थी फैज़ल रसीद ने इस फिल्म में देबाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी हाशमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था कि के के रैना ने मनोहर जे फेरवानी का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया, किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुन्द्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकट रमन आर गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोईपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में रामजेत मलानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका नीक नेम करमचंद दिया गया था राजेश जयस ने इस फिल्म में एस बी आई जी एम खेवानी का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल में इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज में टोटल दस एपिसोड है दस वेब एपिसोड में पूरी सीरीज को खत्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2018 को समीर नायर के द्वारा थी की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे दस एपिसोड होने वाले जो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ था जो स्टॉक ब्रोकर अरसद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये आधारित होने वाले जो जर्नलिस्ट है सुचेता दलाल देवी साहब उन्होंने एक नॉवेल लिखी हुई थी उसी साल दस केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड इनक्र्यू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहाँ पर उन्होंने कहा कि इसकेम नाइनटीन उसका टाइटल होने वाला है सुमित पुरोहित सौरभ दे वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पर डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले ये कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली है जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग पूल होने वाला है जहां पे वो मैं मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फ़िक्शनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो आउटलाइन स्टोरी जो फिल्म की है वहीं से यूज़ की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज है जो फिल्म है धोनी की दोनों की जो कहानी और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने इस फिल्म के कर अराउंड डेढ़ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहाँ पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स है जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्षद मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवंतरी को पेरेल लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के के रैना ललित परिमू को कुछ पाइवोटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफ़ी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को अप्रोच uh, करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज़ को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोर्सन है उसको रिक्रिएट किया एटीज और नाइनटीन नाइन का वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो सूट था उसमें में काफ़ी सारे चीज़ों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफ़ी बढ़िया तरीके से 90 एटीज़ और नाइन्टीन का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालवनी मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा आइलैंड में बंगलोर में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही मैं इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल्ड पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यूज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पर भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर पोर्सन है वेब सीरीज का जो मेजर पोर्सन है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम क्या किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में कभी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे सोनी लिव वालों ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीज़र को 21 अगस्त 2020 को रिलीज करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लिव के ऊपर 85 फाइव सेकंड का ये टीज़र था जहाँ पे सद मेहता के किरदार के ग्लिम्स दिखाए गए थे ट्रेलर को पच्चीस सेप्टेम्बर दो को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों की एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा इन सभी लैंग्वेज़ में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज़ करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड है पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से इश्क दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हर्षद मेहता इज ए लायर पाँचवें का नाम था कुंडली में सनी छठे का नाम था स्टॉप प्रेस सातवें का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवां मतादूर और नौवे का नाम था एक करोड़ का शूटकेस दसवें का नाम था मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस पूरी जो हरसद मेहता की कहानी उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफी सारी चीजों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे जो एक मुंबई स्टोक एक्सचेंज में जो एक स्कैम किया हुआ था करीबन पाँच हजार करोड़ का स्कैम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो तब तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफॉल्स को यूज करते हुए स्कैम कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झच रहे थे उन्होंने ज़रा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नजर आ रहे थे एक सोलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नज़र आते कि वो एक काफ़ी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका अर्सद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको ज़रूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफ़ी बेहतर वे में लिखे हुए उतनी ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है और डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है यह हर्षद मेहता कि के किरदार में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफी बढ़िया तरीके से 90s का माहौल क्रिएट किया हुआ था तब जो सभी चीजें हुई थी उसको बढ़िया तरीके से इसमें शोकेस किया हुआ था हर्षद मेहता का भी बेग स्टोरी सेट किया हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया था फैमिली लाइफ उसकी दिखाई हुई थी इमोशनल इफेक्ट भी उसमें सेट किया हुआ था साथ ही में स्क्रीन प्ले काफी एंगेजिंग और ग्रेपिंग मैनर में सभी चीजें दिखाते हुए नजर आया था इसको जिस तरह से शोकेस किया हुआ था तो बढ़िया था सीरीज में एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि स्क्रीन प्ले इस तरह से देखने को मिलता है जबकि आप ऐसा सोचोगे कि एक एपिसोड देखने के बाद में बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद मेहता किस तरह से लुप का यूज़ करते हैं ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए हुए और जो हर्षद में था कि आंखों में इस कर चीजें करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफी बारीकी डिटेल के साथ चीज़ों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफी ज्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड स्कोर काफी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफी बढ़िया तरीके से सभी सीन्स को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूजिक है फिल्म के जो गाने हैं वो भी काफी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चीजों को तैयार किया हुआ है वो काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी नजर आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफी शानदार था जहाँ पे सभी चीजों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐसे एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज़ कह सकते हैं जहाँ पे चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है खास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम इंगेज होते और देखने में हम कामयाब रहते थे। हमें देखने देखते समय वेब सीरीज़ पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज़ को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को आई एम डी पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हजार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहां पे जब रिलीज

ल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास है, इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज़ इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में फोजपुली डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज़ साबित हुई थी

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हर्षद मेहता वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज़ आपको वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है स्केम 1992 वेब सीरीज आप इस तरह से ऑफिशियली ऑफिशियलीओगे स्कैम नाइनटीन नाइनटी टू दर्षद मेहता स्टोरी ये दो हजार बीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज़ में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज़ है वो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जिस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे म्यूजिक है वो अचिन थक्कर ने दिया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लोस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो इसका जो थीम म्यूजिक था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थी म्यूज़िक को यूट्यूब पे पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बास ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड को तैयार किए तो उसको भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की ज़िंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफी जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीर दास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंचरंग ने 2016 में एक एल्बम में एक गीत स्टेट किया हुआ था गाना मत करमाया कोहंकर तो उस गाने को इस सीरीज़ के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सिक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से इस म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के रो और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की माँ का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम -कुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के केड़िया का रोल प्ले किया है उर्फ ए के का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेश गंतारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेच था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीप का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा बृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ जो अश्विन की वाइफ थी फैज़ल रसीद ने इस फिल्म में देबाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी हाशमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था कि के के रैना ने मनोहर जे फिरवानी का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुन्द्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकट रमन आरबी गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोईपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में रामजेठमानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका नीक नेम करमचंद दिया गया था राजेश जैस ने इस फिल्म में एस बी आई खेवानी का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल में इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज में टोटल दस एपिसोड है दस वेब एपिसोड में पूरी सीरीज को खत्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2018 को समीर नायर के द्वारा थी की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे दस एपिसोड होने वाले जो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ था जो स्टॉक ब्रोकर अर्षद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये होने वाले जो जर्नलिस्ट है सुचे था दलाल देवी उन्होंने एक नॉवल लिखी हुई थी उसी साल द स्केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीजें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड इनक्र्यू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहां पे उन्होंने कहा कि स्केम नाइनटीन उसका टाइटल होने वाला है है। सुमित पुरोहित वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पे डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले ये कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग पुल होने वाला है जहाँ पे वो मे मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फ़िक्शनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो स्टोरी जो फिल्म की है वहीं से यूज़ की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज़ है जो फिल्म है धोनी की दोनों की जो कहानी और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म के अराउंड डेढ़ सौ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहां पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स से जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्सल मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवंतरी को पेरे लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के रैना ललित परिमू को कुछ पाइबोटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को आ, अप्रोच करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोर्सन है उसको रिक्रिएट किया था नाइन्टी एटीज और नाइन नाइन का वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो सूट था उसमें काफी सारे चीज़ों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से नाइन्टी एटीज और नाइन्टी नाइन्टीज का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालव ने मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा मर्ड आइलैंड में बंगलोर में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही में इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीजें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यूज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर पोर्सन है वेब सीरीज़ का जो मेजर पोर्सन है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में कभी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे सोनी ले ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीज़र को 21 अगस्त 2020 को रिलीज़ करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लिव के ऊपर 85 फाइव सेकंड का ये टीज़र था जहां पे सद मेहता के किरदार के एक दिखाए गए थे ट्रेलर को 25 सितंबर 2020 को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों के एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा इन सभी लैंग्वेज़ में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड है पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से इश्क दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हर्षद मेहता इज ए लायर पांचवे का नाम था कुंडली में सनी छठे का नाम था स्टॉप प्रेस सातवें का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवां मता दूर और नौवे का नाम था एक करोड़ का सूटकेस, दसवें का नाम था मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस पूरी जो अरसद मेहता की कहानी है उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हसन मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफी सारी चीजों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे जो एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक स्कैम किया हुआ था करीबन पाँच हजार करोड़ का स्कैम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो था तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफोल्स को यूज करते हुए इस game कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झच रहे थे उन्होंने ज़रा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नजर आ रहे थे एक सोलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नजर आते कि वो एक काफ़ी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका हरसद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको ज़रूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफ़ी बेहतर वे में लिखे हुए उतने ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है और डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है यह हर्षद मेहता के किरदार में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफी बढ़िया तरीके से 90s का माहौल क्रिएट किया हुआ था तब जो सभी चीजें हुई थी उसको बढ़िया तरीके से इसमें शोकेस किया हुआ था हर्षद मेहता का भी बैक स्टोरी सेट किया हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया था फैमिली लाइफ उसकी दिखाई हुई थी इमोशनल इफेक्ट भी उसमें सेट किया हुआ था साथ ही में स्क्रीन प्ले काफी एंगेजिंग और ग्रेपिंग मैनर में सभी चीजें दिखाते हुए नजर आया था इसको जिस तरह से शोकेस किया हुआ था तो बढ़िया था सीरीज में एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि स्क्रीन प्ले इस तरह से देखने को मिलता है जबकि आप ऐसा सोचोगे कि एक एपिसोड देखने के बाद में बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद मेहता किस तरह से लुप का यूज़ करते ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए हुए और जो हर्षद में था कि आंखों में इस कर चीजें करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफी बारीकी डिटेल के साथ चीज़ों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफी ज्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड स्कोर काफी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफी बढ़िया तरीके से सभी सीन्स को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूजिक है फिल्म के जो गाने हैं वो भी काफी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चीजों को तैयार किया हुआ है वो काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी नजर आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफी शानदार था जहां पे सभी चीजों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐसे एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज़ कह सकते हैं जहाँ पे चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है खास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम एंगेज होते और देखने में हम कामयाब रहे थे हमें देखने, देखते समय वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज को आई पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हजार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहां पे जब रिलीज किया गया था नौ अक्टूबर को तब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन थे जिसको सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन रिलीज करवाया हुआ था और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते उनतीस नवंबर दो तक सभी जो डबिंग वर्जन थे तमिल तेलुगु मलयालम कन्नाडा उन सभी को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया सोनी लिव प्लेटफॉर्म के ऊपर उन और उन सभी वर्जन को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इसकी लेंथ थी करीब बयालीस से साठ मिनट की कुणाल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास है, इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलते तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज़ इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में फोज डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज साबित हुई थी स्केम 1992 नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी के जो ओटीटी राइट्स थे वो सोनी लिव वालों ने काफ़ी बढ़िया प्राइस में खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने नौ अक्टूबर से इसको स्ट्रीम करवाया था अगर आपको ये वेब सीरीज फ़िलहाल में देखनी है तो स्केम 1992 नाइनटी टू द हरसद मेहता स्टोरी नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आप ओ टी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के ऊपर हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हर्षद मेहता वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज आपको वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है स्केम नाइनटीन वेब सीरीज आप इस तरह से ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे स्केम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज़ में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज़ है वो नाइनटी इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जेस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे म्यूज़िक है वो अचिन ठक्कर ने दिया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लोस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज़ का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके, उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो इसका जो था थीम म्यूज़िक था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थीम म्यूज़िक को यूट्यूब पे आ, पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बास ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड्स को तैयार किए तो उसको भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की ज़िंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफी जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीरदास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंच रंग ने 2016 में एक एल्बम में एक गीत सेट किया हुआ था गाना मत करमाया कोहंकर तो उस गाने को इस सीरीज़ के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सीक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से इस म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की माँ का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम -कुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के, के केड़िया का रोल प्ले किया है उर्फ एके का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेश गंतारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेस्ट था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीप का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा बृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो की वाइफ थी फैजल रसीद ने इस फिल्म में देबाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी हासमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था के के रैना ने मनोहर जे फिरवानी का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकट रमन आर गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोईपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में रामजेतमलानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका निक नेम करमचंद दिया गया था राजेश जैस ने इस फिल्म में एसबीआई जीएम आई खेवानी का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सीएमडी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल में इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज में टोटल दस एपिसोड है दस वेब एपिसोड में पूरी सीरीज को खत्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2018 को समीर नायर के द्वारा थी की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे दस एपिसोड होने वाले जो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ था जो स्टॉक ब्रोकर अर्षद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये होने वाले जो जर्नलिस्ट है सोचे था दलाल देवी उन्होंने एक नॉवल लिखी हुई थी उसी साल द स्केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीजें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड इनक्र्यू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहां पे उन्होंने कहा कि स्केम नाइनटीन उसका टाइटल होने वाला है है। सुमित पुरोहित सौरभ दे वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पर डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले ये कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग पुल होने वाला है जहाँ पे वो मे मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फ़िक्शनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो आउटलाइन स्टोरी जो फिल्म की है वहीं से यूज़ की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज है जो फिल्म है दोनों की दोनों की जो कहानी और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने इस फिल्म के अराउंड डेढ़ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहाँ पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स से जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्षद मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवंतरी को पेरेल लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के के रैना ललित परिमू को कुछ पाइवटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफ़ी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को आ, अप्रोच करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोर्सन है उसको रिक्रिएट किया था, और का वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो सूट था उसमें काफी सारे चीजों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से नाइनटी और नाइनटी का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालवान मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा मार्ड आई में बंगलोर में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही में इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीजें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यूज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर वेब सीरीज का जो मेजर है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में कभी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे सोनी ले वालों ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीजर को 21 अगस्त 2020 को रिलीज़ करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लिव के ऊपर 85 फाइव सेकंड का ये टीज़र था जहां पे सद मेहता के किरदार के एक दिखाए गए थे ट्रेलर को 25 सितंबर 2020 को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों के एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा इन सभी लैंग्वेज़ में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज़ करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड है पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से इश्क दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हरसद मेहता इज ए लायर पाँचवें का नाम था कुंडली में सनी छठे का नाम था स्टॉप प्रेस सातवें का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवां मतादूर और नौ का नाम था एक करोड़ का शूटकेस दसवें का नाम था मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस पूरी जो हरसद मेहता की कहानी है उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे जो एक मुंबई स्टोक एक्सचेंज में जो एक स्कैम किया हुआ था करीबन पाँच हजार करोड़ का स्कैम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो तब तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफॉल्स को यूज करते हुए स्कैम कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झच रहे थे उन्होंने जरा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नज़र आ रहे थे एक सोलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नजर आते कि वो एक काफ़ी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका अरसद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको जरूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफ़ी बेहतर वे में लिखे हुए उतनी ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है और डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है यह हर्षद मेहता के किरदार में, कि में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफी बढ़िया तरीके से 90s का माहौल क्रिएट किया हुआ था तब जो सभी चीजें हुई थी उसको बढ़िया तरीके से इसमें शोकेस किया हुआ था हर्षद मेहता का भी बेग स्टोरी सेट किया हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया था फैमिली लाइफ उसकी दिखाई हुई थी इमोशनल इफेक्ट भी उसमें सेट किया हुआ था साथ ही में स्क्रीन प्ले काफी इंगेजिंग और ग्रेपिंग मैनर में सभी चीजें दिखाते हुए नजर आया था इसको जिस तरह से शोकेस किया तो बढ़िया था सीरीज में एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि स्क्रीन प्ले इस तरह से देखने को मिलता है जबकि आप ऐसा सोचोगे कि एक एपिसोड देखने के बाद में बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद में था किस तरह से लुप का यूज़ करते ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए हुए और जो हर्षद में था कि आँखों में इस करतीजे करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफी बारीकी डिटेल के साथ चीज़ों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफी ज्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड स्कोर काफी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफी बढ़िया तरीके से सभी सीन्स को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूजिक है फिल्म के जो गाने हैं वो भी काफी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चीजों को तैयार किया हुआ है वो काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी नजर आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफी शानदार था जहां पे सभी चीजों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐसे एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज़ कह सकते हैं जहाँ पर चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है खास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम एंगेज होते और देखने में हम कामयाब रहे थे हमें वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज को आई पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हज़ार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन्स में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहां पे जब रिलीज़ किया गया था नौ अक्टूबर को तब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन थे जिसको सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन रिलीज करवाया हुआ था और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते उनतीस नवंबर दो तक सभी जो डबिंग वर्जन थे तमिल तेलगु मलयालम कन्नाडा उन सभी को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया सोनी लू प्लेटफॉर्म के ऊपर और उन सभी को भी काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इसकी लेंथ थी करीबन बयालीस से साठ मिनट की कुणाल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास है इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में फोर्सफुली डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज़ साबित हुई थी

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हर्षद मेहता वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कनाडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज़ आपको वहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है स्केम 1992 वेब सीरीज आप इस तरह से ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे नाइनटीन 1992 टू दर्षद मेहता स्टोरी ये दो हजार की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज़ में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज़ है वो नाइन्टी इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जेस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे म्यूज़िक है वो अचिन ठक्कर ने दिया हुआ था म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लोस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज़ का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके, उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो इसका जो था थीम म्यूज़िक था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थीम म्यूज़िक को यूट्यूब पे आ, पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बाज ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड्स को तैयार किए तो उसको भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की ज़िंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफी जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीर दास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंच रंग ने 2016 में एक एल्बम में एक गीत स्टेट किया हुआ था गाना मत कर माया कोहंकर तो उस गाने को इस सीरीज़ के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सीक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से इस म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की माँ का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के, के केड़िया का रोल प्ले किया है उर्फ एके का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेशारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेस्ट था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीप का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा वृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ है, जो अश्विन की वाइफ थी फैजल रसीद ने इस फिल्म में देबाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी हाशमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था कि के के रैना ने मनोहर जे फेरवानी का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकट रमन आर गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोईपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में रामजेठमलानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका इसका नेम करमचंद दिया गया था राजेश जयस ने इस फिल्म में एसबीआई जीएम आई खेवानी का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सीएमडी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल में इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज में टोटल दस एपिसोड है दस वेब एपिसोड में पूरी सीरीज को खत्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2018 को समीर नायर के द्वारा थी की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे दस एपिसोड होने वाले जो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ था जो स्टॉक ब्रोकर अरसद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये आधारित होने वाले जो जर्नलिस्ट है दलाल था दलाल देवी बासुस, उन्होंने एक नॉवेल लिखी हुई थी उसी साल दस केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड इनक्र्यू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 फिल्मेकर में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहाँ पर उन्होंने कहा कि इसकेम नाइनटीन उसका टाइटल होने वाला है सुमित पुरोहित सौरभ दे वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पर डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले ये कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली है जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग बुल होने वाला है जहां पे वो मे मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फ़िक्शनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो आउटलैंड स्टोरी जो फिल्म की है वहीं से यूज़ की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज है जो फिल्म है दोनों की दोनों की जो कहानी और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने इस फिल्म के अराउंड डेढ़ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहाँ पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स से जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्षद मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवेंद्री को पैरेलल लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के के रैना ललित परिमू को कुछ पाइवटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफ़ी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को आ, अप्रोच करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोर्सन है उसको रिक्रिएट किया था नाइन्टी ए और का वर्ड, वर्ड करने के लिए। सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो सूट था उसमें काफी सारे चीज़ों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से नाइन्टी एटीज और नाइन्टीन नाइन्टीज का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालवन या मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा आइलैंड में बंगलोर में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही में इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यूज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर पोर्सन है वेब सीरीज़ का जो मेजर पोर्सन है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में कभी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे सोनी लिव वालों ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीजर को 21 अगस्त 2020 को रिलीज करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लिव के ऊपर एटी फाइव सेकंड का ये टीजर था जहां पे हिस्सा मेहता के कि किरदार के ग्लिम्स दिखाए गए थे ट्रेलर को 25 सितंबर 2020 को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों के एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा इन सभी लैंग्वेज़ में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज़ करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड है पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से इश्क दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हरसद मेहता इज ए लायर पाँचवें का नाम था कुंडली में सनी छठे का नाम था स्टॉप प्रेस सातवें का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवां मता दूर और नौवे का नाम था एक करोड़ का शूटकेस दसवें का नाम था मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस पूरी जो अरसद मेहता की कहानी है उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफी सारी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर जो एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक स्केम किया हुआ था करीबन पाँच हजार करोड़ का स्कैम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो तब तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफॉल्स को यूज करते हुए इस कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झच रहे थे उन्होंने ज़रा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नजर आ रहे थे एक सोलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नज़र आते कि वो एक काफ़ी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका अर्सद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको जरूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफ़ी बेहतर वे में लिखे हुए उतनी बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म हुआ है और डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है यह हर्षद मेहता के किरदार में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफी बढ़िया तरीके से नाइन्टीज का माहौल क्रिएट किया हुआ था तब जो सभी चीजें हुई थी उसको बढ़िया तरीके से इसमें शोकेस किया हुआ था हर्षद मेहता का भी एक बेग स्टोरी सेट किया हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया था फैमिली लाइफ उसकी दिखाई हुई थी इमोशनल इफेक्ट भी उसमें सेट किया हुआ था साथ ही में स्क्रीन प्ले काफ़ी इंगेजिंग और ग्रेपिंग मैनर में सभी चीज़ें दिखाते हुए नजर आया था इसको जिस तरह से शोकेस किया हो तो बढ़िया था सीरीज़ में एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि स्क्रीन प्ले इस तरह से देखने को मिलता है जबकि आप ऐसा सोचोगे कि एक एपिसोड देखने के बाद में बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद में था किस तरह से लुप का यूज़ करते हैं ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकस की हुई है और जो हर्षद में था कि आँखों में ये सब कर चीज़ें करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ चीज़ों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी सीन्स को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूज़िक फ़िल्म के जो गाने हैं वो भी काफ़ी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको ज़रा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज़ का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से चीज़ों को तैयार किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी नज़र आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी शानदार था जहाँ पर सभी चीज़ों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐसे एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज़ कह सकते हैं जहाँ पर चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है खास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम एंगेज होते और देखने में हम कामयाब रहे थे हमें समय हम वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज को आई पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हज़ार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहाँ पे जब रिलीज़ किया गया था 9 अक्टूबर को तब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन थे जिसको सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन रिलीज़ करवाया हुआ था और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया जिसके चलते 29 नवंबर 2020 तक सभी जो डबिंग पर वर्जन थे तमिल तेलुगु मलयालम कन्नाडा उन सभी को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर उन और उन सभी वर्जन्स को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इसकी लेंथ थी करीबन बयालीस से साठ मिनट की कुणाल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास है इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में फोसपुली डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज़ साबित हुई थी

वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज़ आपको वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है स्केम नाइनटीन नाइनटी टू वेब सीरीज आप इस तरह से ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे स्केम 1992 द हरसद मेहता स्टोरी ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज़ में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज़ है वो नाइनटी इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जेस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे म्यूज़िक है वो अचिन थक्कर ने दिया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लोस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके, उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो इसका जो था थीम था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थीम म्यूज़िक को यूट्यूब पे आ, पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बाज ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड को तैयार किए तो उसको भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की ज़िंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफे जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीर दास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंचरंग ने 2016 में एक एल्बम में गीत स्टेट किया हुआ था गाना मत करमाया, कर करमाया कोहंकर तो उस गाने को इस सीरीज के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सीक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से इस म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोहरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के रो और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया, किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की माँ का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस के, त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के केड़िया का रोल प्ले किया है उर्फ एके का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेशारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेस्ट था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीफ का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा वृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो की वाइफ थी फैजल रसीद ने इस फिल्म में देबाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी हाशमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था के के रैना ने मनोहर जे फिरवानी का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकट रमन आर गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोईपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में रामजेत मलानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका निक नेम करमचंद गया था राजेश जयस ने इस फिल्म में एस बी खेमानी का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल मेहता इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज़ में टोटल दस एपिसोड है दस वेब एपिसोड में पूरी सीरीज़ को ख़त्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2018 को समीर नायर के द्वारा थी की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे एपिसोड होने वाले जो 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 इंडियन स्टॉक स्टॉक मार्केट का जो स्केम हुआ था जो ब्रोकर अरसद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये आधारित होने वाले जो जर्नलिस्ट सोचे था दलाल देवी साहब उन्होंने एक नॉवेल लिखी हुई थी उसी साल द स्केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीजें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड क्रू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 फिल्मेकर में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहां पे उन्होंने कहा कि इसकेम नाइनटीन उसका टाइटल होने वाला है सुमित पुरोहित सौरभ दे वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पर डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे हैं रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग बुल होने वाला है जहाँ पे वो मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फिक्शनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो आउटलैंड स्टोरी जो फिल्म की है वहीं से यूज की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज है जो फिल्म है धोनी की दोनों की जो कहानी है और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म के अराउंड डेढ़ सौ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहां पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स हैं जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्षद मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवंतरी को पेरेल लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के के रैना ललित परिमू को कुछ पाइवटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को आ, अप्रोच करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोर्सन है उसको रिक्रिएट किया था 90s और 90s का वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो सूट था उसमें काफी सारे चीजों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से 90s और 90s का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालव मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा मार्ड आइलैंड में बंगलोर में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही में इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीजें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यू सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर ने, वेब सीरीज का जो मेजर है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को कई में शूट किया हुआ था, जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में तक भी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे सोनी लिव वालों ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीज़र को 21 अगस्त 2020 को रिलीज करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लिव के ऊपर एटी फाइव सेकेंड का ये टीज़र था जहां पे हिर्स मेहता के किरदार के ग्लिम्स दिखाए गए थे ट्रेलर को 25 सितंबर 2020 को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों के एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा इन सभी लैंग्वेज़ में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज़ करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हर्षद मेहता इज ए लायर पांचवे का नाम था कुंडली में सनी छठे का नाम था स्टॉपरेस सातवें का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवा मतादूर और नौवे का नाम था एक करोड़ का सूटकेस दसवें का नाम था मे हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस पूरी जो हरसद मेहता की कहानी है उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का किरदार प्ले किया हुआ तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे जो एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक स्कीम किया हुआ था करीबन पाँच हज़ार करोड़ का स्केम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो तब तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफॉल्स को यूज करते हुए स्केम कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झज रहे थे उन्होंने जरा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नज़र आ रहे थे एक सोलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नजर आते कि वो एक काफ़ी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका अर्सद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशंस थे वो काफी बढ़िया नजर आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको जरूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफ़ी बेहतर वे में लिखे हुए उतनी ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है और डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है यह है हर्षद मेहता के किरदार में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफी बढ़िया तरीके से 90s का माहौल क्रिएट किया हुआ था तब जो सभी चीजें हुई थी उसको बढ़िया तरीके से इसमें शोकेस किया हुआ था हर्षद मेहता का भी बेग स्टोरी सेट किया हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया था फैमिली लाइफ उसकी दिखाई हुई थी इमोशनल इफेक्ट भी उसमें सेट किया हुआ था साथ ही में स्क्रीन प्ले काफी इंगेजिंग और ग्रेपिंग मैनर में सभी चीजें दिखाते हुए नजर आया था इसको जिस तरह से शोकेस किया तो बढ़िया था सीरीज में एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि स्क्रीन प्ले इस तरह से देखने को मिलता है जबकि आप ऐसा सोचोगे कि एक एपिसोड देखने के बाद में बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद में था किस तरह से लुपहोल्स का यूज़ करते हैं ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से किए हुए और जो हर्षद मेहता की आंखों में इस कर चीजें करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफी बारीकी डिटेल के साथ चीज़ों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफी ज्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड स्कोर काफी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफी बढ़िया तरीके से सभी सीन्स को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूजिक है फिल्म के जो गाने हैं वो भी काफी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चीजों को तैयार किया हुआ है वो काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी नजर आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफी शानदार था जहां पे सभी चीजों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज़ कह सकते हैं जहाँ पर चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है खास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम एंगेज होते और देखने में हम कामयाब रहे थे हमें हम वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज को आई पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हज़ार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन्स में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहां पे जब रिलीज किया गया था नौ अक्टूबर को तब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन थे जिसको सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन रिलीज करवाया हुआ था और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते उनतीस नवंबर दो तक सभी जो डबिंग वर्जन थे तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा उन सभी को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया सोनी लू प्लेटफॉर्म के ऊपर और उन सभी को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इसकी लेंथ थी करीबन बयालीस से साठ मिनट की कुणाल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास है, इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलते तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज़ इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में फोज डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज़ साबित हुई थी स्केम 1992 नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी के जो ओ राइट्स थे वो सोनी लिव वालों ने काफ़ी बढ़िया प्राइस में खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने 9 अक्टूबर से इसको स्ट्रीम करवाया था अगर आपको ये वेब सीरीज़ फ़िलहाल में देखनी है स्केम तो, 1992 द हसद दसद मेहता स्टोरी नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के ऊपर हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हर्षद मेहता वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कन्नाडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज़ आपको वहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है स्केम 1992 वेब सीरीज आप इस तरह से ऑफिशियली ऑफिशियलीओगे स्कैम नाइनटीन नाइनटी टू दर्सद मेहता स्टोरी ये दो हजार बीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज़ में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज़ है वो नाइनटी इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जिस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डिर किया हुआ था जहाँ पे म्यूजिक है वो अचिन थक्कर ने दिया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लोस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो इसका जो थीम म्यूजिक था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थी म्यूज़िक को यूट्यूब पे पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बाज ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए तो उसको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की ज़िंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफी जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीर दास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंचरंग ने 2016 में एक एल्बम में गीत स्टेट किया हुआ था गाना मत को कर माया कोहंकर तो उस गाने को इस सीरीज़ के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सिक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से इस म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के रोल और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की माँ का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के केड़िया का रोल प्ले किया है उर्फ एके का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेशारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेच था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीफ का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा वृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ जो अश्विन की वाइफ थी फैज़ल रसीद ने इस फिल्म में देबाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था कि के के रैना ने मनोहर जे फेरवानी का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकट रमन आर गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोईपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में रामजेठमलानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका नीक नेम करमचंद दिया गया था राजेश जयस ने इस फिल्म में एस बी खेमानी का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल में इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज में टोटल दस एपिसोड है दस वेब एपिसोड में पूरी सीरीज को खत्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2018 को समीर नायर के द्वारा थी की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे दस एपिसोड होने वाले जो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्केम हुआ था जो स्टॉक ब्रोकर अरसद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये होने वाले जो जर्नलिस्ट है सुचे दलाल देवी साहब उन्होंने एक नोवेल लिखी हुई थी उसी साल दस केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीजें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड क्र्यू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहाँ पर उन्होंने कहा कि इसके एम नाइनटीन उसका टाइटल होने वाला है सुमित पुरोहित सौरभ दे वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पर डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले ये कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी किसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग पुल होने वाला है जहाँ पे वो मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फिक्शनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो आउटलैंड स्टोरी जो फिल्म की है वहीं से यूज की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज है जो फिल्म है धोनी की दोनों की जो कहानी और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म के कर अराउंड डेढ़ सौ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहां पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स से जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्षद मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवें को लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के रैना ललित परिमू को कुछ पाइबोटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को आ, अप्रोच करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोर्सन है उसको रिक्रिएट किया था नाइन्टी एटीज और वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो सूट था उसमें काफी सारे चीज़ों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से नाइन्टी एटीज और नाइन्टी नाइन्टीज का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालवा ने मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा मर्ड आइलैंड में बंगलोर में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही में इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यूज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर पोर्सन है वेब सीरीज़ का जो मेजर पोर्सन है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट किया हुआ था। तो इस तरह से इस फिल्म को कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में कभी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे सोनी लिव वालों ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीजर को 21 अगस्त 2020 को रिलीज करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लिव के ऊपर एटी फाइव सेकंड का ये टीजर था जहां पे हिस्सा मेहता के कि किरदार के ग्लिम्स दिखाए गए थे ट्रेलर को 25 सितंबर 20, 2020 को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों के एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा इन सभी लैंग्वेज़ में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज़ करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड है पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से इश्क दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हर्षद मेहता इज अ लॉयर पांचवे का नाम था कुंडली में शनि छठे का नाम था स्टॉप प्रेस सातवे का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवां मतादूर और नौ का नाम था एक करोड़ का शूटकेस दसवें का नाम था मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस पूरी जो हरसद मेहता की कहानी है उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफ़ी सारी चीजों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे जो एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक स्कैम किया हुआ था करीबन पाँच हजार करोड़ का स्कैम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो तब तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफॉल्स को यूज करते हुए स्कैम कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झच रहे थे उन्होंने जरा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नज़र आ रहे थे एक सोलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नजर आते कि वो एक काफ़ी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका अरसद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी बढ़िया नजर आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको जरूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफ़ी बेहतर वे में लिखे हुए उतनी ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है और डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है यह है हर्षद मेहता के किरदार में, कि में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफी बढ़िया तरीके से 90s का माहौल क्रिएट किया हुआ था तब जो सभी चीजें हुई थी उसको बढ़िया तरीके से इसमें शोकेस किया हुआ था हर्षद मेहता का भी बेग स्टोरी सेट किया हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया था फैमिली लाइफ उसकी दिखाई हुई थी इमोशनल इफेक्ट भी उसमें सेट किया हुआ था साथ ही में स्क्रीन प्ले काफी इंगेजिंग और ग्रेपिंग मैनर में सभी चीजें दिखाते हुए नजर आया था इसको जिस तरह से शोकेस किया तो बढ़िया था सीरीज में एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि स्क्रीन प्ले इस तरह से देखने को मिलता है जबकि आप ऐसा सोचोगे कि एक एपिसोड देखने के बाद में बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद मेहता किस तरह से लुप का यूज़ करते हैं ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से सोकेस किए हुए और जो हर्षद मेहता की कि आँखों में इस चीज़ें कर, करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफी बारीकी डिटेल के साथ चीजों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफी ज्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड को और काफी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफी बढ़िया तरीके से सभी सीस को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूजिक है फिल्म के जो गाने हैं वो भी काफी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चीजों को तैयार किया हुआ है वो काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी नजर आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफी शानदार था जहाँ पे सभी चीजों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज़ कह सकते हैं जहाँ पर चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है खास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज़ को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम एंगेज होते और देखने में हम कामयाब रहे थे हमें देखने, देखते समय वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज को आई पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हजार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहां पे जब रिलीज किया गया था नौ अक्टूबर को तब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन थे जिसको सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन रिलीज करवाया हुआ था और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते उनतीस नवंबर दो तक सभी जो डबिंग वर्जन थे तमिल तेलुगू मलयालम कन्नाडा उन सभी को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया सोनी लिव प्लेटफॉर्म के ऊपर उन और उन सभी वर्जन्स को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इसकी लेंथ थी करीबन बयालीस से साठ मिनट की कुणाल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास है इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में फोजफुली डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज़ साबित हुई थी

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हर्षद मेहता वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कन्नाडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज़ आपको वहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है Scam 1992 वेब सीरीज आप इस तरह से ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे Scam 1992 The Harshad Mehta Story ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज़ है वो नाइनटी इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जिस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई एक फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डिरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे म्यूजिक है वो अचिन ठक्कर ने दिया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लोस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो इसका जो थीम म्यूजिक था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थी म्यूज़िक को यूट्यूब पे पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बाज ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए तो उसको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की ज़िंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफी जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीर दास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंचरंग ने 2016 में एक एल्बम में गीत स्टेट किया हुआ था गाना मत को कर माया कोहंकर तो उस गाने को इस सीरीज़ के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सिक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से इस म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के रोल और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की माँ का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम -कुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के, के केड़िया का रोल प्ले किया है उर्फ एके का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेश गंतारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेस्ट था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीफ का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा वृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ जो अश्विन की वाइफ थी फैज़ल रसीद ने इस फिल्म में देबाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था कि के के रैना ने मनोहर जे फेरवानी का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकट रमन आर गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोईपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में रामजेठमलानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका नीक नेम करमचंद दिया गया था राजेश जयस ने इस फिल्म में एस बी खेमानी का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल मेहता इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज़ में टोटल दस एपिसोड है दस एपिसोड में पूरी सीरीज़ को ख़त्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2018 को समीर नायर के द्वारा की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे दस एपिसोड होने वाले जो 1990 इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ था जो स्टॉक ब्रोकर अर्षद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये आधारित होने वाले जो जर्नलिस्ट सोचे था दलाल देवी साहब उन्होंने एक नॉवल लिखी हुई थी उसी साल द स्केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीजें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड क्रू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहां पे उन्होंने कहा कि इसकेम नाइनटीन नाइनटी टू उसका टाइटल होने वाला है सुमित पुरोहित सौरभ दे वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पर डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग बुल होने वाला है जहाँ पे वो मेहता मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फिक्शनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो स्टोरी जो फिल्म की है वहीं से यूज़ की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज है जो फिल्म है धोनी की दोनों की जो कहानी और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म के कर अराउंड डेढ़ सौ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहाँ पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है, उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स हैं जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्षद मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवेंद्री को पेरेल लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के के रैना ललित परिमू को कुछ पाइवटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफ़ी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को अप्रोच करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोषण है उसको रिक्रिएट किया और ज का वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो सूट था उसमें काफी सारे चीजों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से नाइन्टी एटीज और नाइन्टी नाइन्टीज का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालवा ने मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा आइलैंड में बंगलोर में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही में इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यूज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर पोर्सन है वेब सीरीज़ का जो मेजर पोर्सन है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में कभी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे सोनी लिव वालों ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीजर को 21 अगस्त 2020 को रिलीज करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लिव के ऊपर एट्टी फाइव सेकंड का ये टीज़र था जहां पे सद मेहता के किरदार के गिम्स दिखाए गए थे ट्रेलर को 25 सितंबर 2020 को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों के एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा इन सभी लैंग्वेज़ में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज़ करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हर्षद मेहता इज ए लायर पांचवे का नाम था कुंडली में सनी छठे का नाम था स्टॉप प्रेस सातवें का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवां मता दूर और नौवे का नाम था एक करोड़ का सूटकेस दसवें का नाम था मे हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस भी पूरी जो अरसद मेहता की कहानियाँ उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का किरदार प्ले किया हुआ तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे जो एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक स्कीम किया हुआ था करीबन पाँच हज़ार करोड़ का स्केम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो तब तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफॉल्स को यूज करते हुए स्केम कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झज रहे थे उन्होंने जरा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नज़र आ रहे थे एक सोलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नजर आते कि वो एक काफ़ी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका अर्सद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशंस थे वो काफी बढ़िया नज़र आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको जरूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफ़ी बेहतर वे में लिखे हुए हैं ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है और डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है यह हर्षद मेहता कि के किरदार में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफी बढ़िया तरीके से 90s का माहौल क्रिएट किया हुआ था तब जो सभी चीजें हुई थी उसको बढ़िया तरीके से इसमें शोकेस किया हुआ था हर्षद मेहता का भी बेग स्टोरी सेट किया हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया था फैमिली लाइफ उसकी दिखाई हुई थी इमोशनल इफेक्ट भी उसमें सेट किया हुआ था साथ ही में स्क्रीन प्ले काफी इंगेजिंग और ग्रेपिंग मैनर में सभी चीजें दिखाते हुए नजर आया था इसको जिस तरह से शोकेस किया तो बढ़िया था सीरीज में एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि स्क्रीन प्ले इस तरह से देखने को मिलता है जबकि आप ऐसा सोचोगे कि एक एपिसोड देखने के बाद मैं बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद में था किस तरह से लुप का यूज़ करते ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से सोकेस किए हुए और जो हर्षद में था कि आँखों में इस चीज़ें कर, करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफी बारीकी डिटेल के साथ चीज़ों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफी ज्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड को और काफी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफी बढ़िया तरीके से सभी सीन्स को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूजिक है फिल्म के जो गाने हैं वो भी काफी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चीजों को तैयार किया हुआ है वो काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी नजर आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफी शानदार था जहाँ पे सभी चीजों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज़ कह सकते हैं जहाँ पर चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है खास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम एंगेज होते हैं और देखने में हम कामयाब रहे थे हमें वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज को आई पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हजार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहां पे जब रिलीज़ किया गया था नौ अक्टूबर को तब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन थे जिसको सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन रिलीज़ करवाया हुआ था और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते उनतीस नवंबर दो तक सभी जो डबिंग वर्जन थे तमिल तेलुगू मलयालम कन्नड़ा उन सभी को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया सोनी लिव प्लेटफॉर्म के ऊपर उन और उन सभी वर्जन को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इसकी लेंथ थी करीबन बी बयालीस से साठ मिनट की कुणाल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास है, इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलते, तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज़ इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में खोज डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज साबित हुई थी स्केम 1992 नाइन्टी टू द हर्षद मेहता स्टोरी के जो ओटीटी राइट्स थे वो सोनी लिव वालों ने काफ़ी बढ़िया प्राइस में खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने नौ अक्टूबर से इसको स्ट्रीम करवाया था अगर आपको ये वेब सीरीज़ फ़िलहाल में देखनी है तो स्केम 1992 नाइन्टी टू द हरसद मेहता स्टोरी नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आप ओ टी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के ऊपर हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हर्षद मेहता वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कनाडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज़ आपको वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है स्केम 1992 वेब सीरीज आप इस तरह से ऑफिशियली ऑफिशियलीओगे स्कैम नाइनटीन नाइनटी टू दर्सद मेहता स्टोरी ये दो हजार बीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज है वो नाइनटी इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जिस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे म्यूज़िक है वो अचिन ठक्कर ने दिया हुआ था म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लोस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके, उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो इसका जो थीम म्यूज़िक था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थीम म्यूज़िक को यूट्यूब पर पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बाज ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए तो उसको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की ज़िंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफी जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीर दास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंच रंग ने 2016 में एक एल्बम में गीत स्टेट किया हुआ था गाना मत करमाया कोहंकर तो उस गाने को इस सीरीज़ के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सिक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से इस म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के रोल और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया, किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की मां का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के केड़िया का रोल प्ले किया है उर्फ ए के का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेश गंतारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेस्ट था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीफ का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा वृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ जो अश्विन की वाइफ थी फैजल रसीद ने इस फिल्म में देबाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी हाशमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था कि के के रैना ने मनोहर जे फेरवानी का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकट रमन आर गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोईपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में रामजेठमलानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका नीक नेम करमचंद दिया गया था राजेश जयस ने इस फिल्म में एस बी आई का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल मेहता इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज में टोटल दस एपिसोड है दस वेब एपिसोड में पूरी सीरीज को खत्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2018 को समीर नायर के द्वारा थी की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे दस एपिसोड होने वाले जो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ था जो स्टॉक ब्रोकर अर्षद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये आदमी होने वाले जो जर्नलिस्ट है सोचे दलाल देवी साहब उन्होंने एक नोवेल लिखी हुई थी उसी साल द, दस केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीजें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड क्र्यू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहां पे उन्होंने कहा कि इसके एम नाइनटीन उसका टाइटल होने वाला है सुमित पुरोहित सौरभ दे वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पर डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले कुछ ऐसी सामने आई थी किसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली है जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग बुल होने वाला है जहाँ पे वो मेह मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फिक्शनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो आउटलैंड स्टोरी जो फिल्म की है वहीं से यूज़ की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज है जो फिल्म है दोनों की दोनों की जो कहानी और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म के कर अराउंड डेढ़ सौ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहां पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है, उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स है जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्षद मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवेंद्री को पेरेल लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के के रैना ललित परिमू को कुछ पाइवटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को आ, अप्रोच करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो सौ लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोर्सन है उसको रिक्रिएट किया एटीज और 90s नाइनज का वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो शूट था उसमें में काफ़ी सारे चीज़ों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफ़ी बढ़िया तरीके से नाइन्टी एटीज़ और नाइन्टी नाइन्टीज़ का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालवान मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा मार्ड आइलैंड में बंगलो में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही में इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीजें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल्ड पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यू सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर पोर्सन है वेब सीरीज का जो मेजर पोर्सन है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम क्या किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में कभी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे सोनी लिव वालों ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीजर को 21 अगस्त 2020 को रिलीज करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लिव के ऊपर 85 फाइव सेकंड का ये टीज़र था जहाँ पे हिस्सद मेहता के किरदार के ग्लिम्स दिखाए गए थे ट्रेलर को पच्चीस सेप्टेम्बर दो को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों की एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा इन सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज़ करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पांस हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड है पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से इश्क दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हर्षद मेहता इज ए लायर पाँचवें का नाम था कुंडली में सनी छठे का नाम था स्टॉप प्रेस सातवें का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवां मतादूर और नौ का नाम था एक करोड़ का शूट केस दसवें का नाम था मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस पूरी जो हर्षद मेहता की कहानी है उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे जो एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक स्कैम किया हुआ था करीबन पाँच हजार करोड़ का स्कैम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो तब तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफॉल्स को यूज करते हुए स्कैम कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झच रहे थे उन्होंने जरा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नज़र आ रहे थे एक सोलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नजर आते कि वो एक काफ़ी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका अरसद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशंस थे वो काफी बढ़िया नजर आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको जरूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफी बेहतर वे में लिखे हुए उतनी बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है और डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है हर्षद मेहता के किरदार में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफ़ी बढ़िया तरीके से नाइन्टीज का माहौल क्रिएट किया हुआ था तब जो सभी चीजें हुई थी उसको बढ़िया तरीके से इसमें शोकेस किया हुआ था हर्षद मेहता का भी बेग स्टोरी सेट किया हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया था फैमिली लाइफ उसकी दिखाई हुई थी इमोशनल इफेक्ट भी उसमें सेट किया हुआ था साथ ही में स्क्रीन प्ले काफी इंगेजिंग और ग्रेपिंग मैनर में सभी चीज़ें दिखाते हुए नजर आया था इसको जिस तरह से शोकेस किया हो तो बढ़िया था सीरीज़ में एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि स्क्रीन प्ले इस तरह से देखने को मिलता है जबकि आप ऐसा सोचोगे कि एक, एक एपिसोड देखने के बाद मैं बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद में था किस तरह से लुप का यूज़ करते हैं ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस की हुई है और जो हर्षद में था कि आँखों में ये सब करती चीज़ें करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ चीज़ों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी सीन्स को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूज़िक के फ़िल्म के जो गाने हैं वो भी काफ़ी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको ज़रा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज़ का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चीज़ों को तैयार किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी नज़र आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी शानदार था जहाँ पर सभी चीज़ों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज कह सकते हैं जहाँ पर चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है ख़ास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम इंगेज होते हैं और देखने में हम कामयाब रहते थे। हमें देखने देखते समय वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज़ किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को आई पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हज़ार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन्स में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहां पे जब रिलीज किया गया था नौ अक्टूबर को तब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन थे जिसको सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन रिलीज करवाया हुआ था और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते उनतीस नवंबर दो तक सभी जो डबिंग वर्जन थे तमिल तेलगू मलयालम कन्नाडा उन सभी को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर और उन सभी वर्जन को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इसकी लेंथ थी करीबन बयालीस से साठ मिनट की कुणाल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास है इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलते तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज़ इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में फोजफुली डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज़ साबित हुई थी

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हर्षद मेहता वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कन्नाडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज आपको वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है Scam 1992 वेब सीरीज आप इस तरह से ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे Scam 1992 The Harshad Mehta Story ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज़ में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज़ है वो नाइनटी इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जिस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई एक फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे म्यूजिक है वो अचिन ठक्कर ने दिया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लोस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो इसका जो थीम म्यूजिक था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थीम म्यूज़िक को यूट्यूब पे पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बाज ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए थे तो उसको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की ज़िंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफी जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीर दास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंच रंग ने 2016 में एक एल्बम में गीत स्टेट किया हुआ था गाना मत करमाया कोहंकर तो उस गाने को इस सीरीज़ के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सिक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से इस म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के रोल और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की माँ का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के केड़िया का रोल प्ले किया है उर्फ के का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेश गंतारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेस्ट था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीफ का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा वृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ जो अश्विन की वाइफ थी फैज़ल रसीद ने इस फिल्म में देबाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी हाशमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था कि के के रैना ने मनोहर जे फिरवानी का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकटरमन आर बी गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोईपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में राम जेठमलानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका इसका नेम करमचंद दिया गया था राजेश जैस ने इस फिल्म में एस बी आई का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल मेहता इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज़ में टोटल दस एपिसोड है दस वेब एपिसोड में पूरी सीरीज़ को ख़त्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी दो को समीर नायर के द्वारा की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे दस एपिसोड होने वाले जो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ था जो स्टॉक ब्रोकर अर्षद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये आधारित होने वाले जो जर्नलिस्ट सोचे दलाल देवी साहब उन्होंने एक नॉवल लिखी हुई थी उसी साल दस केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीजें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड क्रू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहां पे उन्होंने कहा कि इसके एम नाइनटीन नाइनटी टू उसका टाइटल होने वाला है सुमित पुरोहित सौरभ दे वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पर डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग बुल होने वाला है जहाँ पे वो मेह मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फिक्शनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो आउटलैंड स्टोरी जो फिल्म की है वहीं से यूज़ की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज है जो फिल्म है धोनी की दोनों की जो कहानी और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म के कर अराउंड डेढ़ सौ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहाँ पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है। उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स से जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्षद मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवें को लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के रैना ललित परिमू को कुछ पाइवटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को अप्रोच uh, करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो सौ लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोषण है उसको रिक्रिएट किया और ज का वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो सूट था उसमें काफी सारे चीज़ों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से नाइन्टी एटीज और नाइन्टी नाइन्टीज का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालवनी मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा मर्ड आइलैंड में बंगलोर में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही में इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल्ड पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यू सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर पोर्सन है वेब सीरीज़ का जो मेजर पोर्सन है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में कभी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहां पे सोनी ले वालों ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीजर को 21 अगस्त 2020 को रिलीज़ करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लीव के ऊपर 85 फाइव सेकंड का ये टीज़र था जहां पे सद मेहता के किरदार के एक दिखाए गए थे ट्रेलर को 25 सितंबर 2020 को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों के एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलगू मलयालम कन्नडा इन सभी लैंग्वेज़ में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड है पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से इश्क दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हरसद मेहता इज ए लायर पाँचवें का नाम था कुंडली में सनी छठे का नाम था प्रेस सातवें का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवां मतादूर और नौवे का नाम था एक करोड़ का सूटकेस दसवें का नाम था मे हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस पूरी जो हर्षद मेहता की कहानी है उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे जो एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक स्केम किया हुआ था करीबन पाँच हज़ार करोड़ का स्केम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो तब तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफॉल्स को यूज करते हुए स्केम कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झच रहे थे उन्होंने जरा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नजर आ रहे थे एक सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नजर आते कि वो एक काफी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका हर्षद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशंस थे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको ज़रूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफ़ी बेहतर वे में लिखे हुए उतनी ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है और डायरेक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है यह हर्षद मेहता के किरदार में, कि में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफी बढ़िया तरीके से नाइन्टीज का माहौल क्रिएट किया हुआ था

एपिसोड देखने के बाद में बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद में था किस तरह से लुपहोल्स का यूज करते हैं ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफी बढ़िया तरीके से शोकेस किए हुए और जो हर्षद में था कि आंखों में इसका कर चीज़ें करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफी बारीकी डिटेल के साथ चीज़ों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफी ज्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड स्कोर काफी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफी बढ़िया तरीके से सभी सीन्स को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूजिक फिल्म के जो गाने हैं वो भी काफी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चीजों को तैयार किया हुआ है वो काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी नजर आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफी शानदार था जहाँ पे सभी चीजों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज़ कह सकते हैं जहाँ पर चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है ख़ास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम एंगेज होते और देखने में हम कामयाब रहे थे हमें वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर दो को रिलीज किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज को आई पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हजार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहाँ पे जब रिलीज़ किया गया था 9 अक्टूबर को तब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन थे जिसको सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन रिलीज़ करवाया हुआ था और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया जिसके चलते 29 नवंबर 2020 तक सभी जो डबिंग पर वर्जन थे तमिल तेलुगू मलयालम कन्नड़ा उन सभी को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया सोनी लिव प्लेटफॉर्म के ऊपर उन और उन सभी वर्जन्स को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इसकी लेंथ थी करीबन बयालीस से साठ मिनट की कुणाल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास है, इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज़ इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में फोजपुली डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज साबित हुई थी स्केम 1992 नाइन्टी टू द हर्षद मेहता स्टोरी के जो ओटीटी राइट्स थे वो सोनी लिव वालों ने काफ़ी बढ़िया प्राइस में खरीदे हुए थे जहाँ पे उन्होंने नौ अक्टूबर से इसको स्ट्रीम करवाया था अगर आपको ये वेब सीरीज़ फिलहाल में देखनी है तो स्केम 1992 नाइन्टी टू द हरसद मेहता स्टोरी नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन आप ओ टी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के ऊपर हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में एंजॉय कर सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि हर्षद मेहता वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज आपको वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है स्केम नाइनटीन नाइनटी टू वेब सीरीज़ आप इस तरह से ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे स्केम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल फाइनेंशियल थ्रिलर सीरीज है इस सीरीज में आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी उसके साथ बायोग्राफी हर्षद मेहता की और उसमें ड्रामा सेट किया हुआ है और उन ड्रामा में कुछ थ्रिलर मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो फिर वेब सीरीज़ है वो नाइनटी इंडियन स्टॉक मार्केट स्केम के ऊपर जो एक बुक बनी थी उसके में उसके ऊपर जो मैनिपुलेशन जो चार्जिस लगे हुए थे अरसद मेहता के ऊपर तो वो सभी चीज़ों में इस फिल्म की कहानी सेट की हुई एक फिल्म की कहानी को सुमित पुरोहित सौरव दे वैभव विशाल करण व्यास ने लिखा हुआ है हंसल मेहता और जय मेहता ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे म्यूजिक है वो अचिन ठक्कर ने दिया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी ने ही रखे हुए थे स्टूडियो नेक्स्ट और एप्लॉस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था तो म्यूजिक के राइट्स एप्लोस एंटरटेनमेंट के ही पास थे ओरिजिनल नेटवर्क जो रिलीज का था वो सोनी लिव प्लेटफॉर्म था उनके उनके द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो इसका जो थीम म्यूजिक था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको इस थीम म्यूज़िक को यूट्यूब पे पसंद किया हुआ था इसके बाद में जो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ था जिसमें बाज ड्रम स्ट्रिंग जिसका यूज़ करते हुए जिस तरह से गाने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किए थे तो उसको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सीरीज़ में आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है दो दिन की जिंदगी दो दिन का मेला वाला तो वो कबीर काफी जी जो उनके द्वारा जो फोक तैयार करवाया गया था तो उनकी जो कंपोजिशन है जो फिफ्टीन सेंचुरी में जो कबीर दास ने लिखी हुई थी उसको रिक्रिएट किया गया था तो वहाँ से इसको लिया गया था जहाँ पे पंचरंग ने 2016 में एक एल्बम में गीत स्टेट किया हुआ था गाना मत कर माया को अहंकार तो उस गाने को इस सीरीज के एंडिंग सीन्स में भी फिल्माया हुआ है हर एक एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग सीक्वेंस था वहाँ पे भी ये सुनने को मिलेगा तो इस तरह से इस म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर बातचीत करें तो प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता टाइटल रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जो यंगर हर्षद वाला रोल था वो विशेष बंसल ने प्ले किया हुआ था श्रेया धनवंतरी को सुचेता दलाल का रोल दिया गया था चिराग वोरा ने इसमें भूषण भट्ट का रोल प्ले किया हुआ है जो केतन पारे के रोल और सुधीर मेहता के रोल से इंस्पायर्ड था अंजलि बारोट ने ज्योति मेहता यानी कि हर्षद की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है हेमंत खेर ने अश्विन मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद का भाई था रमाकांत दयामा ने इस फिल्म में शांतिलाल मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो हर्षद के फादर थे हर्षद की मां का रोल रसीला बेन मेहता वो कुमकुम कुम दास ने प्ले किया हुआ है निखिल द्विवेदी ने इसमें के एस त्यागी का रोल प्ले किया हुआ है सादाब खान ने अजय के केड़िया का रोल प्ले किया उर्फ के का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा परेशारा को इस फिल्म में आर के महेश्वरी का रोल दिया गया था जो राधा किशन दमानी के रोल के ऊपर बेस्ट था कविन दवे ने राकेश झुंझुनवाला का रोल प्ले किया हुआ है जय उपाध्याय ने इस फिल्म में प्रणव सेठ का रोल प्ले किया हुआ है कार्तिक कृष्णन ने स्वामी का रोल प्ले किया हुआ था आयस खान ने ट्रेजर चीप का रोल प्ले किया हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका का इसके अलावा वृंदा त्रिवेदी ने इस फिल्म में दीपक मेहता का दीपिका मेहता का रोल प्ले किया हुआ है जो की वाइफ थी फैजल रसीद ने इस फिल्म में देबाशीष बासु का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी को इस फिल्म में शरद बेलारे का रोल दिया गया था कि के के रैना ने मनोहर जे फिरवानी का रोल प्ले किया हुआ है रजत कपूर ने इस फिल्म में के माधवन का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक ने इस फिल्म में मनु मुंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है आनंद महादेवन इस फिल्म में आपको एस वेंकट रमन बी गवर्नर के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा इवान रोड्रिगस को फॉर्च्यून इंडिया एडिटर का रोल दिया गया था मामिक सिंह ने इस फिल्म में मिस्टर राव जो सिटी बैंक चीफ था उसका रोल प्ले किया हुआ है ललित परिमू ने इस फिल्म में के दास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ था जयमनी पाठक आपको सीतारमन के रोल में दिखाई देंगे विवेक वासानी ने एम एन गोयपोरिया का रोल प्ले किया हुआ है जो एस चेयरमैन थे इसके अलावा मिथिलेश चतुर्वेदी ने इस फिल्म में राम जेठमलानी का रोल प्ले किया हुआ था नागेश भोसले ने इस फिल्म में डॉक्टर दत्ताराम का रोल प्ले किया हुआ है शरद जगतियान ने इस फिल्म में राजदीप देसाई का रोल प्ले किया हुआ है आसिफ अली बेग को आर के लक्ष्मण का रोल दिया गया था राघव राज केकर ने इस फिल्म में सुचेता के सोर्सिस का रोल प्ले किया उसका नीक नेम करमचंद दिया गया था राजेश जयस ने इस फिल्म में एस बी खेमानी का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम कापड़िया ने इस फिल्म में सी पोलो का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे हंसल में इसमें एक अनक्रेडिट क्रेडिटेड रोल में देखने को मिलेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर थे इस वेब सीरीज में टोटल दस एपिसोड है दस वेब एपिसोड में पूरी सीरीज को खत्म भी किया हुआ है जहां पे जो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट की शुरुआत फरवरी 2018 को समीर नायर के द्वारा थी की गई थी जो अपलोज एंटरटेनमेंट के सी है उन्होंने बताया था कि वो कंटेंट स्टूडियो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ एक वेब सीरीज अनाउंस करेंगे दस एपिसोड होने वाले जो नाइनटीन इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ था जो स्टॉक ब्रोकर अर्शद मेहता के द्वारा किया गया था उसके ऊपर ये आदमी आधारित होने वाले जो जर्नलिस्ट है सोचे दलाल देवी सा उन्होंने एक नोवेल लिखी हुई थी उसी साल दस केम वो वन वो लॉस्ट वो गोट अवे करके तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड होने वाली है और अभी फिलहाल में इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर एक साल तक काम चलेगा बाद में हम इसके डायरेक्टर कास्ट एंड इनक्र्यू को फाइनलाइज करके आपको बता देंगे दिसंबर 2019 में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने अनाउंस किया कि वो एक वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाले जहां पे उन्होंने कहा कि स्केम नाइनटीन नाइनटी टू उसका टाइटल होने वाला है सुमित पुरोहित सौरभ दे वैभव विशाल करण व्यास इसमें स्क्रीन प्ले का, का काम करेंगे वहीं पर डायलॉग्स लिखेंगे इसके अलावा इस वेब सीरीज को अनाउंस करने से पहले ये कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली है जिसमें अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे रोल सेम प्लॉट के साथ जिसका नाम द बिग बुल होने वाला है जहाँ पे वो मेह मेहता का रोल प्ले करने वाले जो एक फिक्शनल वर्क उसका देखने को मिलेगा तो आउटलैंड स्टोरी जो फिल्म की है वहीं से यूज़ की गई है तो इस तरह से जो वेब सीरीज है जो फिल्म है धोनी की दोनों की जो कहानी और दलाल की जो सुचेता दलाल है उसकी बुक उसकी नोवेल से ली गई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो मुकेश छाबरा ने इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने इस फिल्म के अराउंड डेढ़ सौ किरदारों को कास्ट किया हुआ था जहां पे मेहता का जो क्लोज हंसल मेहता है। उसके जो क्लोज गुजराती थिएटर एक्टर्स है जहाँ पे प्रतीक गांधी थे उन्होंने इसमें हर्षद मेहता का रोल प्ले किया हुआ है और पहली बार किसी आउट एंड आउट हिंदी वेब सीरीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे श्रेया धनवंतरी को पेरेल लीड दिया गया था सुचेता दलाल का इसके अलावा सतीश कौशिक आनंद महादेव रजत कपूर निखिल द्विवेदी के के रैना ललित परिमू को कुछ पाइवोटल रोल्स दिए गए थे इसके बाद में प्रतीक गांधी के जो किरदार थे उसमें काफी सारे लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को अप्रोच uh, करने के लिए उसमें एक वर्कशॉप सेट किया हुआ था बाद में धीरे धीरे सभी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट की गई थी प्रिंसिपल ऑफ शूट है उसको दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया हुआ था जब अनाउंस की गई थी सीरीज़ को ऑफिशियली उसके बाद करीबन दो सौ लोकेशंस में मेजर लोकेशंस में इस फिल्म के सेट क्रिएट किए गए थे साउथ मुंबई में भी इसको शूट किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस में इस फिल्म को शूट किया हुआ था मेकर्स ने कई सारे ऐसे पोर्सन है उसको रिक्रिएट किया था एटीज और 90s का वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफर ने भी काफी बढ़िया काम किया था प्रथम मेहता जिन्होंने इसमें मुंबई का जो सूट था उसमें काफ़ी सारे चीज़ों में अपना पार्ट निभाया हुआ था इसमें जो आर्ट डायरेक्शन है उन्होंने बखूबी काफ़ी बढ़िया तरीके से 90 एटीज और नाइन्टी का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया हुआ था फिल्म को वर्ली अपार्टमेंट में भी शूट किया हुआ था मालवान मलाड वेस्ट में भी शूट किया हुआ था इसके अलावा मार्ड आइलैंड में बंगलोर में भी इस फिल्म को शूट किया गया था इसके साथ ही मैं इस फिल्म को अलग अलग जगह पे शूट किया था जहाँ पे द टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है मुंबई वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रिक्रिएट करके शूट की गई थी इसके अलावा वाइल्ड पार्ले जो गोल्डन टोबे को कंपाउंड है उसका एक यू सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था और वहाँ पे भी शूटिंग की गई थी फिल्म का जो मेजर पोर्सन है वेब सीरीज़ का जो मेजर पोर्सन है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में भी शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को कई लोकेशंस में शूट किया हुआ था जहाँ पे जब मार्च 2020 आया था जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले करीबन 89 डेज इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्क था जब बाद में लॉकडाउन के साथ ही खुला उसके बाद काम क्या किया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में कभी वहीं तभी पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा था और उसके बाद में इसके ओ राइट्स बेचे गए थे जहाँ पे सोनी लिव वालों ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने उसके राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे टीजर को 21 अगस्त 2020 को रिलीज करवाया गया था यूट्यूब चैनल सोनी लिव के ऊपर 85 फाइव सेकंड का एक टीज़र था जहां पे हिर मेहता के किरदार के ग्लिम्स दिखाए गए थे ट्रेलर को 25 सेप्टेम्बर दो हजार बीस को रिवील किया गया था और उसके बाद में ट्रेलर से लोगों की एक अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी लोगों के बीच में और उसके बाद में इस वेब सीरीज़ को डायरेक्टली ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने के लिए अनाउंस किया गया था जहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था इंग्लिश और तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा इन सभी लैंग्वेज़ में इस फिल्म को डब किया हुआ था पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया था लेकिन जिस तरह से इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उसके चलते बाकी सभी लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज़ करवाया हुआ था तो डबिंग वर्जन लेटर आए थे उसके बाद में जिस तरह से ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्स हासिल हुआ तो इस वेब सीरीज़ ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए हुए थे इसमें टोटल दस एपिसोड है पहले एपिसोड का नाम है रिस्क से इश्क दूसरे एपिसोड का नाम है कोबरा किलर तीसरे का नाम था पैसे की दुकान चौथे का नाम था हरसद मेहता इज ए लायर पाँचवें का नाम था कुंडली में सनी छठे का नाम था स्टॉप प्रेस सातवें का नाम था दलाल स्ट्रीट का दरिया आठवां मतादूर और नौ का नाम था एक करोड़ का शूटकेस दसवें का नाम था मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये टोटल दस एपिसोड थे जिसमें इस पूरी जो हर्षद मेहता की कहानी है उसको दिखाया हुआ था इसमें जैसे कि प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है तो उनका ही स्क्रीन प्रेजेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जैसे कि सुचेता दलाल के 1993 के बुक के ऊपर से इसको आउटलाइन लिया गया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ था हर्षद मेहता ने जो एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे जो एक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जो एक स्कैम किया हुआ था करीबन पाँच हजार करोड़ का स्कैम बताया जा रहा था तो एक कॉमन मैन था वो तब तो एक कॉमन मैन किस तरह से लुफॉल्स को यूज करते हुए स्कैम कर रहा है वही जब ये इस फिल्म में क्रिएट करके दिखाई हुई है और इसका अंत क्या होता है वो भी इसमें दिखाया हुआ है हर्षद मेहता कि के इस किरदार के ऊपर इस पूरी सीरीज को फोकस किया हुआ है प्रतीक गांधी जो इस रोल में पूरी तरह से झच रहे थे उन्होंने जरा भी ओवर एक्ट नहीं किया हुआ है उनके एक्सप्रेशन सबल नज़र आ रहे थे एक सोलिड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई थी जिस तरह से उन्होंने इसमें अपना काम दिखाया हुआ है वो आपको बताते हुए नजर आते कि वो एक काफ़ी मेच्योर एक बढ़िया एक्टर है उनका हरसद मेहता के तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलता है डायलॉग डिलीवरी थी स्क्रीन प्रेजेंस था एक्सप्रेशंस थे वो काफी बढ़िया नजर आते हैं उनका एक पॉजिटिव अप्रोच किरदार के प्रति आपको जरूर पसंद आएगा वो किरदार के डायलॉग्स आपको दिमाग में छप जाएंगे डायलॉग्स काफ़ी बेहतर वे में लिखे हुए उतनी ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने सॉरी एक्टर्स ने इसको परफॉर्म किया हुआ है और डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से हर्षद मेहता के रोल में प्रतीक गांधी के पास परफॉर्मेंस भी डिलीवर करवाई हुई है ये हर्षद मेहता कि के किरदार में प्रतीक गांधी ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है डायरेक्टर हंसल मेहता ने काफी बढ़िया तरीके से 90s का माहौल क्रिएट किया हुआ था तब जो सभी चीजें हुई थी उसको बढ़िया तरीके से इसमें शोकेस किया हुआ था हर्षद मेहता का भी बेग स्टोरी सेट किया हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया था फैमिली लाइफ उसकी दिखाई हुई थी इमोशनल इफेक्ट भी उसमें सेट किया हुआ था साथ ही में स्क्रीन प्ले काफी इंगेजिंग और ग्रेपिंग मैनर में सभी चीजें दिखाते हुए नजर आया था इसको जिस तरह से शोकेस किया तो बढ़िया था सीरीज में एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि स्क्रीन प्ले इस तरह से देखने को मिलता है जबकि आप ऐसा सोचोगे कि एक एपिसोड देखने के बाद में बाकी के दूसरे दिन देखूंगा या बाद में देखूंगा लेकिन वो मौका नहीं मिलता है जिस तरह से इसको तैयार किया है उसकी वजह से आप दस एपिसोड एक साथ बैठ के देख सकते हो बिंज वॉच कर सकते हो इस तरह का इसका पूरा स्क्रीन प्ले चलता है तो इस वजह से इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था इसमें जो क्राइम एंगल दिखाया हुआ है हर्षद में था किस तरह से लुप का यूज़ करते हैं ट्रेड मार्केट में वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस किए हुए और जो हर्षद मेहता की आंखों में इस कर चीज़ें करते समय कोई डर नहीं दिख रहा था तो उसको भी काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है डायरेक्टर एक्टर सभी लोगों ने काफी बारीकी डिटेल के साथ चीज़ों को हैंडल किया हुआ था डायलॉग काफी ज्यादा बेहतरीन थे जिस वजह से चीज़ें और बेहतर हो रही थी बैकग्राउंड स्कोर काफी अव्वल दर्जे का था बीजेम काफी बढ़िया तरीके से सभी सीन्स को सपोर्ट कर रहा था थीम म्यूजिक है फिल्म के जो गाने हैं वो भी काफी बढ़िया थे आर्ट डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से चीज़ों को रिक्रिएट किया हुआ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होता है वेब सीरीज का बजट मीडियम था लेकिन उसके बावजूद जिस तरह चीजों को तैयार किया हुआ है वो काफी बढ़िया थी प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी नजर आती है कैमरा वर्क फिल्म का काफी शानदार था जहाँ पे सभी चीजों को जो माहौल था उसको अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इसमें सभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बढ़िया काम देखने को मिलता है हाँ फिल्म की एंडिंग को थोड़ा और बेहतर वे में डिलीवर किया जा सकता था इसके अलावा इस वेब सीरीज़ के साथ डायरेक्टर एक्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक सिक्सर मारा हुआ है ओवरऑल स्केम 1992 नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी एक क्रिएटिव वेब सीरीज़ कह सकते हैं जहाँ पर चीज़ों को एंगेजिंग मैनर में दिखाया हुआ है आर्टिस्ट की टेरिफिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है ख़ास करके हर्षद मेहता के रोल में जिस तरह से प्रतीक गांधी ने अपना काम दिखाया हुआ है वो को और बेहतर बनाता है डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक इंटरेस्टिंग नरेशन दिया हुआ है जो सीरीज को हमारे सामने बढ़िया तरीके से पेश करता है कनेक्शन महसूस होता है और बढ़िया तरीके से हम इंगेज होते और देखने में हम कामयाब रहते थे। हमें देखने देखते समय वेब सीरीज पसंद आएगी तो इस वजह से इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए स्केम नाइनटीन को पहले नौ अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया था हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सोनी लिव प्लेटफॉर्म के पास राइट्स थे जब रिलीज किया गया क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को आई पे करीबन डेढ़ लाख वोट मिले तो एक लाख अड़तालीस हजार के करीब वोट मिले हुए थे जिसमें नौ पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो इतनी हाई रेटिंग मिलने के चलते एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते बाद में इन सभी अलग अलग वर्जन में इस वेब सीरीज को डब किया गया था जहां पे जब रिलीज़ किया गया था नौ अक्टूबर को तब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो वर्जन थे जिसको सोनी ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन रिलीज़ करवाया हुआ था और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते उनतीस नवंबर दो तक सभी जो डबिंग वर्जन थे तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा उन सभी को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया सोनी लिव प्लेटफॉर्म के ऊपर उन और उन सभी वर्जन्स को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इसकी लेंथ थी करीबन बयालीस से साठ मिनट की कुणाल वाल्वे और सुमित पुरोहित ने इसको एडिट किया हुआ था तो इसकी जो लेंथ थी वो डिसेंट थी उसमें जो आपको कंटेंट देखने को मिलता है वो भी प्योर था कोई उसमें इतना कुछ खास है इतना बड़ा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो आप इस चीज़ को आसानी से फैमिली के साथ भी देख सकते हो बीच में एक दो गालियाँ है अगर वो चल जाए तो अदरवाइज़ इसको जिस तरह से तैयार किया है उसमें कोई न्यूडिटी नहीं है कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई जो आजकल की वेब सीरीज में फोजफुली डाली जाती है तो ओवरऑल इसको जब 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया तब इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और एक सक्सेसफुल वेब सीरीज़ साबित हुई थी

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हर्षद मेहता वेब सीरीज़ को अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दस एपिसोड अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे पूरी कहानी दिखाई गई है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तमिल तेलुगु मलयालम कनाडा वर्जन में भी इसको डब किया हुआ है तो ये वेब सीरीज़ आपको वहाँ पर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी जरूर देखिएगा एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है स्केम 1992 वेब सीरीज आप इस तरह से ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गए स्केम नाइनटीन नाइन्टी टू वेब सीरीज़ के ऊपर जितनी भी मेरे पास जो बातें थी जो अपडेट थी वो शेयर कर दिए इसके प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है कहानी के ऊपर चर्चा की हुई हर एक एपिसोड के ऊपर बातचीत की हुई है एक डीप रिव्यू किया हुआ है परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा की हुई है इसके अलावा साथ ही में इस वेब सीरीज़ को कैसे ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो उसकी भी जानकारी दी हुई है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर किए हुए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू